इवन मैं जहाँ रेंट पर रहती थी उन्होंने मुझसे आफ्टर 15 डेज में मुझसे घर भी खाली करवा दिया था। मैं ये देखती थी लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अजीब वगरीब हरकतें हो जाती हैं, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं जिंदगी से। लेकिन जिस तरह आपने हिम्मत दिखाई, अगर और फैमिलियाँ भी इसी तरह हिम्मत दिखाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम सफर अच्छा हो ना तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा, वेलकम माय YouTube चैनल WRM। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम मौजूद है 5 स्टार की एक छोटी सी ब्रांच क्रंची फूड के नाम से। ये एक बहुत सीरियस स्टोरी है, एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। इन तीनों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान होके हालात मजबूर होके लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एक छोटे से रेस्टोरेंट छोटा सा एक ढाबा स्टार्ट किया जिसमें हम सबको मिलकर उनकी हेल्प करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो आइए मिलते हैं उनकी फैमिली से, आपको बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो हम ये फैमिली के साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से ये इनकी वाइफ और ये हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कमल है। कमल, तो मैंने बड़ा माशाल्लाह आपकी स्टोरी के बारे में सुना कि आपने बड़ी हिम्मत करी और यहाँ तक आप लोग आए। मैम, असल में मेरे हस्बैंड की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी तो वो बिल्कुल जॉबलेस हो गए थे। उसके बाद मेरे बच्चों की पूरी एजुकेशन ख़त्म हो गई। इवन मैं जहाँ रेंट पर रहती थी उन्होंने मुझसे आफ्टर 15 डेज मुझसे घर भी खाली करवा दिया था। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बच्चे बिल्कुल एजुकेशन से भी बहुत दूर हो गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मुझे अपना ये काम स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने ये अपना काम स्टार्ट किया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस मालिक का कि मुझे कराची वालों ने और इसके अलावा और दूसरी जगहों से भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, आपने हिम्मत दिखाई और लोगों ने आपको सपोर्ट किया। हम भी इसलिए आएँ कि लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी हिम्मत को दाद दें। आप कुछ बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम सफ़र अच्छा हो ना तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। और इन्होंने मेरी बीमारी में, मेरी तकलीफ़ में जितना मेरा साथ दिया है और अभी तक दे रही हैं, ये नहीं कि छोड़ दिए, अभी तक दे रही हैं। बहुत मुश्किल होता है हर काम को मैनेज करना, यहाँ भी मैनेज करना, फिर घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, बहुत मुश्किल काम, अकेले बंदे का काम नहीं है। और मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी वाइफ को ना कि जितना इनको अप्रिशिएट किया जाए कम है, और इनका ही हौसला है और इनकी हिम्मत है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। बेशक बेशक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। अपना कोई कांटेक्ट नंबर दें ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे। हमारा 0333-5453-49। अच्छा, आपने जो सेटअप स्टार्ट किया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने अवेलेबल है अभी खाने के लिए, क्या क्या है? मैम, मेरे पास जिंगर बर्गर है, चिकन बर्गर है, अमेरिकन स्मैश बर्गर है, तंदूरी रैप है, क्लब सैंडविच है, फ्लाफिल है। क्लब सैंडविच भी दो तरह के हैं मेरे पास, एक तंदूरी क्लब सैंडविच है और एक सिंपल चिकन सैंडविच है। तो ये आप खुद बनाती हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब कुछ खुद बनाती हूँ। और ये जो जिंगर है इसकी मेरीनेशन या और जो भी सामान है सबकी मेरीनेशन में घर से रेडी कर बनाती हूँ। अच्छा, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, कामयाबी अता फरमाए। आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और कराची वाले माशाल्लाह जब कोई मसला होता है तो सब मिलके खड़े हो जाते हैं साथ देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारी जगहों से, बाहर मुल्क से भी मेरे पास कॉल्स आई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कराची वालों को और इन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माने और हमेशा सोचें, अच्छा सोचें, अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है। मैं ये देखती थी लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें हो जाती हैं, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं ज़िंदगी से। लेकिन जिस तरह आपने हिम्मत दिखाई, अगर और फैमिलियाँ भी इसी तरह हिम्मत दिखाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, वक्त तो हर इंसान पे आता है, अच्छा बुरा वक्त, मगर इंसान को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे आमदनी में इजाफा हो। और अगर हस्बैंड को कोई बुरा वक्त है तो वाइफ के साथ बैठे उनको सपोर्ट करें। आपका बेटा भी आपके साथ होता है? बेटे भी मेरे साथ होते हैं, बट आज मेरे बेटे मेरे साथ होते हैं, वो पोजिशन है।
उनकी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट करवाई है हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, मामला बेहतर हो गए हैं। तो आप हमारे देखने वालों से कुछ कहना चाहती हैं, कोई मिसाल देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी जो है इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, आप मेहनत करें और उसका सिला अल्लाह पाक देंगे इंशाल्लाह। कभी भी हमें अपने हालात से तंग आके खुदकुशी या ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं तो वो सही नहीं है, बिल्कुल भी ना, आप मेहनत करें इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बस यही कहूँगा लोगों से, हमारे पास आएँ, आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेयार है और इंशाल्लाह इस मेयार को हम नीचे नहीं होने देंगे। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा हमने आपको ये स्टोरी दिखाई, हिम्मत नहीं हारनी आपने और बिल्कुल अल्लाह ताला आपका साथ देगा। देखिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया और अल्लाह ताला बड़ा सेटअप लगाएगा इंशाल्लाह। एक दिन हम आएंगे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आपके। बिल्कुल, इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।